सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का महंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सो वेरी गुड मॉर्निंग अमित, आलोक, प्रिया, निष्ठा, प्रीति, सपना, राहुल, विष्णु, सपना, एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग। सो जितने भी लोग कनेक्ट हुए हैं, एक बार फटाफट से आप लोग क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सके, ठीक है। ओके, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 25 नवंबर के टॉप मोस्ट करंट अफेयर को। कल की क्लास में हमने जो पढ़ा था उसको रिवाइज करेंगे और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं नवंबर मंथ के अपकमिंग ऑनलाइन बैचेस की, कि नवंबर मंथ में कौन सी बैच स्टार्ट होने वाली है। सो नवंबर मंथ की जो लास्ट बैच है वो स्टार्ट होगी 30 नवंबर से। ये जो बैच है ये 30 नवंबर से स्टार्ट होगी। बैंक और SSC दोनों के लिए और बाइलिंगुअल में है, दैट मीन्स ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और रिसेंटली 23 नवंबर को अभी एक बैच स्टार्ट हुई है, तो अगर आप चाहें तो आप इसमें भी इनरोल करवा सकते हैं या फिर जो हमारी अपकमिंग ऑनलाइन बैच है आप उसमें इनरोल करवा सकते हैं, ठीक है। कैसे इनरोल करवाना है, सिंपली आपको महंद्राज की जो वेबसाइट है उस पर आप विजिट कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज जो भी नियर बाई ब्रांच है आपको वहां पर विजिट करके इनरोल करवा सकते हैं, ओके। चलिए अब आते हैं हमारे आज के मॉर्निंग थॉट ऑफ द डे पर, कि हमारा आज का मॉर्निंग थॉट ऑफ द डे क्या है। वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग अंतरी, राधे, संचिता, अर्जुन, एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आज का हमारा जो मॉर्निंग थॉट ऑफ द डे है वो ये है कि इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है ना। अगर आप चाहते हैं कि आप भी कुछ ऐसा करें कि लोग आपको जाने, लोग आपको पहचाने, है ना, तो उसके लिए आपको कलम की ज़रूरत नहीं है कि आप बैठकर अपनी कहानी लिखें कि ऐसा ऐसा हुआ था। आप कुछ ऐसा करिए कि लोग खुद आपको जाने, है ना। सो इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। भले आप थोड़ा देर से करिए, है ना, लेकिन कुछ ऐसा करिए कि लोग आपको जाने कि हाँ आप एग्जिस्ट करते हैं, आप भी हैं और आप भी कुछ कर सकते हैं। तो कुछ करना है तो अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाइए और कुछ ऐसा करिए कि लोग आपके नाम को जाने पहचाने। और अगर आपका नाम होगा तो आपके पेरेंट्स का नाम होगा, और आपके पेरेंट्स के लिए सबसे प्राउड मोमेंट वही होता है जब आपके पेरेंट्स को उनके बच्चों के नाम से जाना जाता है कि ये इनके मम्मी पापा है ना। सो अपने पेरेंट्स को वो जो एक हैप्पीनेस होती है वो फील कराइए और बताइए कि हाँ, जैसे हम लोग को हमारे मम्मी पापा के नाम से जाना जाता है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। कोई अगर हमसे पूछता है कि आप इनकी बेटी हो, आप इनके बेटे हो, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे मम्मी पापा की वजह से लोग हमें जानते हैं ना। उससे भी बहुत अच्छी फीलिंग आती है हमारे मम्मी पापा को जब लोग उनको उनके बच्चों के नाम से जानते हैं ना। सो कुछ ऐसा करिए कि आपके पेरेंट्स भी आप पर प्राउड फील करें और ये दुनिया भी आपको जाने कि हाँ आप ही कोई हैं, ठीक है। चलिए सो इसी एक कॉन्फिडेंस के साथ, इसी एक मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। वेरी गुड मॉर्निंग रश्मि। और बात करते हैं हमारे आज के चैंपियन ऑफ द डे की, कि आज के हमारे चैंपियन कौन है। सो हमारे आज के जो टॉप 5 चैंपियन है उनका नाम है पुष्परंजन, मीमांसा, सुरभि, रश्मि एंड अंतरिप। सो ये टॉप 5 चैंपियन है। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेरी वेल डन एवरीवन, आप लोग क्या है हमारे चैंपियन है एंड हमारे विनर है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ईच एंड एवरीवन जिन जिन लोगों ने आंसर कॉमेंट किया था, ठीक है। चलिए अब आते हैं रिवीजन पर। कल की क्लास में हमने जो पढ़ा था उसको एक बार फटाफट से हम लोग क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं एंड देन स्टार्ट करेंगे आज की टॉप हेडलाइंस को। तो सबसे पहले हेडलाइंस कल हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, पहली हेडलाइन हम लोगों ने ये पढ़ी थी कि इंडिया ने जो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी जो मीटिंग है इसकी अध्यक्षता इन्होंने क्या की है, एज्यूम की है, किससे, फ्रांस से। मतलब अभी तक ये अध्यक्षता किसके पास थी, फ्रांस के पास थी, अब फ्रांस ने इसको हैंड ओवर किया है किसको, इंडिया को, ठीक है। तो आपको क्या याद करना है, सिंपली आपको याद करना है GPAI। कल मैंने इसका फुल फॉर्म आप लोगों को याद करवाया था इसको ब्रेक करके। GPAI का फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसकी जो अध्यक्षता है, जो चेयरमैनशिप है, ये फ्रांस से किसको हैंड ओवर किया गया है, इंडिया को हैंड ओवर किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडलाइन, रवि कुमार सागर इनको प्रेस्टिजियस डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। आपको याद है ना, ये वन ऑफ द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने लॉकडाउन में अपना बिजनेस स्टार्ट किया था 50,000 के इन्वेस्टमेंट के साथ, और अभी इनका जो एनुअल टर्नओवर है वो मोर देन 2 करोड़ रुपीज हो गया है। इन्होंने इनका स्टार्टअप क्या था, इनका स्टार्टअप ये था कि लॉकडाउन में जो भी PPE किट्स और क्या बोलते हैं फेस मास्क वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह था, इसको ये हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर में क्या करते थे, सेल करते थे, ठीक है। सो रवि कुमार सागर इनको प्रेस्टिजियस डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है, एंड ही इज वन ऑफ द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर, ओके। नेक्स्ट हेडलाइन इज
उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर, नाम क्या है इनका? योगी आदित्यनाथ। इन्होंने यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन 2022 का क्या किया है? इनॉग्रेशन किया है। कहाँ पर किया है? गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी इन ग्रेटर नोएडा। सो ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में योगी आदित्यनाथ जी ने यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन का इन्होंने क्या किया है? इनॉग्रेशन किया है। जल्दी से मुझे कॉमेंट करके बताइए कि इस हैकथॉन में क्या होगा, किस चीज़ के लिए इस हैकथॉन का इनॉग्रेशन किया गया। ठीक है, जल्दी से मुझे कॉमेंट करके आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 3 डे सेलिब्रेशन ऑन द 400th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द ग्रेट अहोम जनरल लचित बरफुकन। लचित बरफुकन, इनका क्या था? कल इनकी 400वीं जयंती मनाई गई और ये एक बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं इनको, इन्होंने मुगल शासकों को क्या किया था? गुवाहाटी में एंटर करने से रोका था और बहुत बार इन्होंने मुगल लोगों को हराया भी था, है ना। सो लचित बरफुकन जी, इनकी कल 400वीं जयंती मनाई गई। किस दिन? 24 नवंबर को। इनकी जयंती किस दिन मनाई जाती है? 24 नवंबर को। 24 नवंबर को असम में क्या मनाया जाता है? लचित दिवस मनाया जाता है। कल इसको हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। सो लचित दिवस कब मनाया जाता है? ये 24 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इनको वहाँ का शिवाजी भी बोला जाता है क्योंकि बहुत बार इन्होंने क्या किया था? मुगलों को हराया था और इनके नाम पर मेडल भी दिया जाता है जिसको लचित मेडल बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट वन इज, अनामलाई टाइगर रिजर्व लॉन्च्ड जंबो ट्रेल्स इन कोयम्बटूर। सो अनामलाई टाइगर रिजर्व, इन्होंने क्या लॉन्च किया है? जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया है। कहाँ पर? कोयम्बटूर में। सो जंबो ट्रेल्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अनामलाई, दैट इज ATR टाइगर रिजर्व के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। ठीक है, 22 अफ्रीकन कंट्री पार्टिसिपेट करेंगी। क्यों पार्टिसिपेट करेंगी ये भी तो थोड़ा बताइए। धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। वेरी वेल डन। कोडिंग फॉर 36 और फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। वेरी गुड। यहाँ पर जितने भी ग्लोबल इशूज़ हैं, जो जितने भी डोमेस्टिक इशूज़ हैं, उनके लिए टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन क्या किया जाएगा? डिस्कवर किया जाएगा। वेरी वेल डन। हाँ जी, अनामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट वन इज, यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, नाम क्या है इनका? पीयूष गोयल। इन्होंने 21st, कौन सा एडिशन है? 21st है वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स, इसका इन्होंने क्या किया? इसको संबोधित किया, इसको एड्रेस किया। कहाँ पर किया? मुंबई में, है ना। कौन सा एडिशन है? 21st एडिशन है। किसकी बात हम कर रहे हैं? वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स की बात कर रहे हैं। किसके द्वारा इसको संबोधित किया गया? पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया। कहाँ पर किया गया? मुंबई में। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट वन इज, यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, कौन है ये? अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं, है ना। अनुराग सिंह ठाकुर जी ने 53 और चैलेंज इन्होंने क्या किया है? 53 और चैलेंज इनॉग्रेट किया है फॉर 75 क्रिएटिव माइंड्स टुमारो। याद है आप लोगों को, ये जो 75 क्रिएटिव माइंड्स टुमारो है, इसमें क्या होता है? जो भी विनर्स होते हैं उनको एक चांस दिया जाता है कि वो इंडिया एट 100 थीम पर क्या कर सके? एक शॉर्ट मूवी को प्रोड्यूस कर सके, है ना। सो 53 और चैलेंज, ये इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया? अनुराग सिंह ठाकुर जी के द्वारा किया गया। मेंस ग्रूमिंग ब्रांड अर्बन गबरू, ये जो अर्बन गबरू मेंस ग्रूमिंग ब्रांड है, इसके ब्रांड अम्बेसडर कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव। तो सूर्य कुमार यादव को ब्रांड अम्बेसडर बनाया गया है, किसका? अर्बन गबरू का। क्लियर हो गया? जल्दी बताइए, क्लियर हो गया? ओके, क्लियर हो गया। अब आते हैं हमारी आज की टॉप हेडलाइंस पर, और हमारी जो पहली हेडलाइन है वो रिलेटेड है असम से, है ना। असम गवर्नमेंट ने क्या किया है? न्यू टूरिज्म पॉलिसी को लॉन्च किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए रिसेंटली न्यू टूरिज्म पॉलिसी को कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है, तो आपका आंसर क्या होगा? असम, है ना। न्यू टूरिज्म पॉलिसी रिसेंटली कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? न्यू टूरिज्म पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी है तो दैट मीन्स इट इज़ रिलेटेड विथ टूरिज्म एंड इन्वेस्टमेंट। ये एक तरीके से टूरिज्म और क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। किसने इसको लॉन्च किया है? असम ने लॉन्च किया है। जल्दी से मुझे असम के बारे में सारी चीज़ें बता दीजिए। असम का फाउंडेशन कब हुआ था? चीफ मिनिस्टर कौन है? कैपिटल क्या है? गवर्नर कौन है? ठीक है, चलिए। सो असम गवर्नमेंट ने क्या किया है? इन्होंने एक नई टूरिज्म पॉलिसी को लॉन्च किया है जिससे जो ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स हैं और इन्वेस्टर्स हैं वो इस स्टेट में क्या कर सके? इन्वेस्ट कर सके, है ना। एक तरीके से असम को इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने के लिए, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन का मतलब जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर क्या कर सके? इन्वेस्ट कर सके। इसलिए असम गवर्नमेंट ने क्या किया है? नई टूरिज्म पॉलिसी को लॉन्च किया है। मेन इनका पर्पस क्या है? मेन पर्पस ये है कि असम को ये इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं, है ना।
असम को इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने के लिए असम गवर्नमेंट ने क्या किया है, नई टूरिज्म पॉलिसी को लॉन्च किया है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो एंटरप्रेन्योर्स है ना, मतलब जो उद्यमी लोग होते हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं, मतलब जो निवेशक लोग हैं, वो यहाँ पर क्या कर सके, इन्वेस्ट कर सके और असम एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन सके। क्लियर हो गया? ओके, असम दिसपुर, हिमांता विश्व शर्मा, वेरी वेल डन। चलिए, ये पॉइंट क्लियर हुआ। सो द पॉलिसी वॉज प्रिपेयर्ड आफ्टर कंसल्टेशन विद द वर्ल्ड बैंक स्टेक होल्डर्स एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट। ये जो पॉलिसी बनाई गई है, यहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक है, जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं और जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, मतलब विश्व बैंक है और जो स्टेक होल्डर्स हैं, है ना, हितधारक है और इंडस्ट्री एक्सपर्ट, मतलब जो उद्योग के विशेषज्ञ होते हैं, उन सबसे कंसल्ट करके, परामर्श लेके फिर इस नई टूरिज्म पॉलिसी को बनाया गया है। मेन पर्पस क्या है, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन असम को बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को और एंटरप्रेन्योर्स को अट्रैक्ट करना, ये मेन पर्पस है किसका, असम गवर्नमेंट का। एंड दैट्स वाई इन्होंने न्यू टूरिज्म पॉलिसी को क्या किया है, लॉन्च किया है। क्लियर हो गया? जल्दी बताइए, क्लियर हो गया? Is it clear to everyone? New tourism policy, capital Dispur, Himanta Biswa Sarma। बस यही है, चीफ मिनिस्टर है और कैपिटल है, फाउंडेशन नहीं हुआ था, गवर्नर नहीं है और कुछ नहीं है, बस दो ही चीज़ है। अच्छा, जगदीश मुखी जी, वेरी वेल डन। उसमें फाउंडेशन भी बता दीजिए, इनका स्थापना कब हुआ था, इनका हैप्पी बर्थडे कब होता है, ये भी तो बताना है। चलिए, ये कल हम लोगों ने शॉर्ट में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सेबेस्टियन वेटल। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। सो आपको याद करना है कि सेबेस्टियन वेटल, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। सो आगे जो हमारी लिस्ट बनेगी उसमें इनका नाम नहीं आएगा, है ना। सो जर्मन रेसिंग ड्राइवर सेबेस्टियन वेटल, इन्होंने फार्मूला वन रेसिंग से क्या कर दिया है, रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। सो रिसेंटली फार्मूला वन रेसिंग से जिन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है, जिन्होंने संन्यास लिया है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है सेबेस्टियन वेटल, है ना। सेबेस्टियन वेटल ने क्या किया है, इन्होंने फार्मूला वन रेसिंग से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये किससे बिलोंग, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। सो जर्मन रेसिंग ड्राइवर सेबेस्टियन वेटल हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम फार्मूला वन रेसिंग। अगर हम सेबेस्टियन वेटल की बात करें तो इन्होंने 4 फार्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप को क्या किया है, जीता है, फ्रॉम 2010 टू 2013, ठीक है। 2010 से 2013 के बीच में इन्होंने 4 फार्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीता है। सो सेबेस्टियन वेटल ने 4 फार्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीता है इन बिटवीन 2010 एंड 2013। इसको याद कर लीजिएगा, 2010 और 2013 के बीच में इन्होंने 4 फार्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप को क्या किया है, जीता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट हेडलाइन पर, और ये आपकी इंपॉर्टेंट हेडलाइन है, इसको मार्क कर लीजिए कि ये क्या है, आपकी इम्पॉर्टेंट हेडलाइन है। जो यूरोप स्पेस एजेंसी है, इन्होंने दुनिया के जो पहले डिसेबल्ड एस्ट्रोनॉट है, मतलब डिसेबल्ड एस्ट्रोनॉट का मतलब जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, उनका नाम अनाउंस किया है। मतलब जो फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है, वो भी अब स्पेस में जो भी एक्टिविटीज़ है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और स्पेस में जा सकते हैं। सो जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, इन्होंने दुनिया के पहले डिसेबल्ड एस्ट्रोनॉट का नाम क्या किया है, डिक्लेयर किया है, ठीक है। चलिए देखते हैं डिटेल में, इस हेडलाइन में क्या है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA क्या है, ये आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी है और इन्होंने जो डिसेबल्ड एस्ट्रोनॉट हैं, जो डिसेबल्ड एस्ट्रोनॉट होते हैं, उनको बोला जाता है पैरा एस्ट्रोनॉट। क्या बोला जाता है इनको, इनको बोला जाता है पैरा एस्ट्रोनॉट। आप लोगों को याद होगा, एक होता है ओलंपिक और एक होता है पैरालंपिक। ओलंपिक में नॉर्मल जो हमारे एथलीट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और पैरालंपिक में कौन पार्टिसिपेट करता है, जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं। तो वैसे ये भी है, एक होता है एस्ट्रोनॉट और एक होता है पैरा एस्ट्रोनॉट। तो पैरा एस्ट्रोनॉट का मतलब ये हुआ जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, ना, जो फिजिकली डिसेबल्ड एस्ट्रोनॉट होते हैं। तो इसलिए इनको क्या नाम दिया गया है, इनको नाम दिया गया है पैरा एस्ट्रोनॉट का, ठीक है। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, सबसे पहले आपको याद करना है कि किसने पहले जो पैरा एस्ट्रोनॉट है उनका नाम डिक्लेयर किया है, तो कौन सी एजेंसी है, वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, दैट इज ESA। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने दुनिया के पहले पैरा एस्ट्रोनॉट का नाम इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। 23 नवंबर को इन्होंने ये अनाउंस किया और इन्होंने कहा कि जो स्पेस है वहाँ पर उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है उसमें जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और स्पेस में जाके रह भी सकते हैं, मतलब स्पेस पर भी वो जा सकते हैं। क्लियर हो गया? 22 नेशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये जो 20
टू नेशन स्पेस यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। इन्होंने फॉर्मर ब्रिटिश पैरालंपिक रनर इनका नाम क्या है, जॉन मैकफॉल। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है कि इनका नाम क्या है, इनका नाम है जॉन मैकफॉल। और इन्होंने 2008 के जो पैरालंपिक गेम हुआ था उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था, है ना। अगर हम इनकी बात करें जॉन मैकफॉल की, तो 2008 में जो पैरालंपिक हुआ था, गेम हुआ था, उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2008 में जो पैरालंपिक गेम हुआ था। ऑब्वियसली बात है, फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो पैरालंपिक में ही क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर हो गया। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने पहले पैरा एस्ट्रोनॉट का नाम डिक्लेयर किया है। सो ब्रिटिश के जो पैरालंपिक है, फॉर्मर ब्रिटिश पैरालंपिक, नाम इनका क्या है, जॉन मैकफॉल, ये पहले पैरा एस्ट्रोनॉट बने हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा इनका नाम डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, रोहित गुप्ता जी वेरी गुड मॉर्निंग, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श आपको बहुत सारा, अभ्यास करिए। ठीक है, चलिए ये क्लियर हुआ, जल्दी बताइए क्लियर हो गया। ये हेडलाइन आपकी इंपॉर्टेंट है तो इसको बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, कौन सी स्पेस एजेंसी ने डिक्लेयर किया है, जो फिजिकली डिसेबल एस्ट्रोनॉट होते हैं उनको क्या बोला जाता है, तो पैरा एस्ट्रोनॉट बोला जाता है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अनाउंस किया है, और ये क्या बोलते हैं बेटा, रनर हैं ये। रनर कौन सी स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, रनर है ना ये, मैंने बताया अभी, फॉर्मर ब्रिटिश पैरालंपिक रनर है ये। और नाम इनका क्या है, इनका नाम है जॉन मैकफॉल। क्लियर हो गया, ओके चलिए। सो पांच नए एस्ट्रोनॉट को इसमें शामिल करने के लिए, है ना, ये अनाउंस किया गया था सिंस 2009। सो 2009 से यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा पहली बार अपने अंतरिक्ष यात्री में ये रैंकों को फिर से, मतलब जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको शामिल करने के बाद 2009 से ये फिर से दूसरी बार ऐसा हो रहा है। और इसमें मतलब जो पैरा एस्ट्रोनॉट है इसमें 257 ऐसे बोल सकते हैं पर्सन थे जिन्होंने क्या किया था, अप्लीकेशन फाइल किया था कि वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और उसमें से इनको सेलेक्ट किया गया था। अगर हम मैकफॉल की बात करें, है ना, अभी मैं आपको यही बता रही थी कि मैकफॉल की अगर हम बात करें तो इनके राइट लेग में क्या है, प्रॉब्लम है, मतलब इन्होंने एक एक्सीडेंट हो गया था, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया था, वहाँ पर इन्होंने अपने दाहिने पैर को खो दिया था, है ना, तब इनकी एज 19 ईयर ओल्ड थी। और इन्होंने 2008 जो बीजिंग पैरालंपिक गेम हुआ था उसमें 100 मीटर रेस में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, एक बार फिर से बता दे रही हूँ, 2008 के बीजिंग पैरालंपिक गेम में 100 मीटर रेस में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ये इंपॉर्टेंट है। नाम इनका जॉन मैकफॉल है। ठीक है, तो क्योंकि इनका नाम आया हुआ है तो इनका जो बैकग्राउंड है ना, इनकी जो हिस्ट्री है वो भी आपसे पूछी जा सकती है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, 2008 के बीजिंग पैरालंपिक गेम में 100 मीटर रेस में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और 19 ईयर की एज में एक एक्सीडेंट में इन्होंने क्या किया था, अपना दाहिना पैर खो दिया था। ठीक है, क्लियर हो गया, जल्दी बताइए, इंपॉर्टेंट हेडलाइन है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। क्लियर, ओके चलिए अब यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट हेडलाइन पर। सो यहाँ पर प्रसार भारती ने क्या किया है, इन्होंने अपना 25 ईयर ऑफ एक्सीलेंस सेलिब्रेट किया है। सो प्रसार भारती ने अपना सिल्वर जुबली क्या किया, सेलिब्रेट किया, कब किया, जल्दी से बताइए। अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, प्रसार भारती के बारे में, क्योंकि इन्होंने अपना नया लोगो रिलीज़ किया था, है ना, नया लोगो इन्होंने रिलीज़ किया था जिसमें ये आपका अर्थ था, उसमें इंडिया का मैप बना हुआ था, और अंदर ये जो वो माइक होता है ना वो बना हुआ था। तो इन्होंने थोड़े दिन पहले प्रसार भारती ने क्या किया था, अपना नया लोगो लॉन्च किया था, और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ये न्यूज़ में भी था, है ना। तो प्रसार भारती 2-3 बार कॉन्टिन्यू न्यूज़ में आ चुका है, तो इसका फाउंडेशन कब हुआ था, जल्दी बताइए। चलिए, सो प्रसार भारती ने अपना सिल्वर जुबली सेलिब्रेट किया, कब किया, 23 नवंबर को, है ना, 23 नवंबर को इन्होंने अपना सिल्वर जुबली सेलिब्रेट किया, क्योंकि 25 साल हो गए इनकी स्थापना के। सो 23 नवंबर 2022 को प्रसार भारती ने अपना सिल्वर जुबली, अपने एस्टैब्लिशमेंट के सिल्वर जुबली को इन्होंने सेलिब्रेट किया। तो इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 23 नवंबर को हुआ था। ठीक है, हाँ जी, ओके, गौरव द्विवेदी, वेरी वेल डन, चलिए यही अपॉइंटमेंट हुआ था, हाँ क्लियर हो गया। सो प्रसार भारती ने 23 नवंबर को क्या किया, अपना सिल्वर जुबली सेलिब्रेट किया, क्योंकि इनकी स्थापना के 25 साल क्या हो गए, पूरे हो गए। अब थोड़ा इसको 25 साल 2022 से माइनस करिए और मुझे बताइए कौन से ईयर में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था,
कोई जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है। इट केम इन टू एग्जिस्टेंस ऑन द डे इन 1997, 23 नवंबर 1997 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। सो 23 नवंबर 1997 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी एज अ स्टैचुरी ऑटोनॉमस बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब मुझे ये बताइए, किसी भी एंटिटी को स्टैचुरी बॉडी क्यों बोला जाता है? जब भी कहीं पर लिखा हो स्टैचुरी बॉडी, तो स्टैचुरी बॉडी की मतलब वैधानिक निकाय जिसको बोलते हैं। स्टैचुरी बॉडी का मतलब ये होता है जब भी कोई एंटिटी किसी एक्ट को पास करके बनती है ना, तो उसको हम स्टैचुरी बॉडी बोलते हैं, उसको हम वैधानिक निकाय बोलते हैं, जब भी कोई एंटिटी किसी एक्ट को पास करके बनती है। जैसे अगर हम बात करें आरबीआई की, है ना, तो आरबीआई भी आपका क्या है, ये स्टैचुरी बॉडी है। क्यों स्टैचुरी बॉडी है? क्योंकि एक्ट को पास करके बना था, पहले आरबीआई एक्ट पास किया गया था, उसके बाद आरबीआई बना था। तो जब भी कोई एंटिटी पहले एक्ट पास किया जाता है, उसके बाद बनाया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं स्टैचुरी बॉडी, दैट इज वैधानिक निकाय। और ये भी आपका एक्ट को पास करके ही बनाया गया था, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो अ स्टैचुरी ऑटोनॉमस बॉडी। और इसका इस्टैब्लिशमेंट 23 नवंबर 1997 में हुआ था। प्रसार भारती में आपका दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, यही सब आता है, ठीक है। हाँ जी, इसके सीईओ गौरव द्विवेदी हैं, और अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था। चलिए, इसका इस्टैब्लिशमेंट हुआ था हाँ जी, प्रसार भारती एक्ट 1990 था, वेरी वेल डन। चलिए, सो इसका इस्टैब्लिशमेंट हुआ था पार्लियामेंट के द्वारा, एक एक्ट जो पास किया गया था उसके द्वारा। सो सितंबर 1990 में पार्लियामेंट ने प्रसार भारती एक्ट को क्या किया था, पास किया था, है ना। सो प्रसार भारती एक्ट के अंडर इसको क्या किया गया था, बनाया गया था, प्रसार भारती एक्ट 1990, है ना। इस एक्ट को पास करके प्रसार भारती को क्या किया गया था, इस्टैब्लिश किया गया था। सो प्रसार भारती ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1990 को पास करके क्या किया गया था, इसको बनाया गया था, इस्टैब्लिश किया गया था। पहले एक्ट पास किया गया, फिर इसको बनाया गया, दैट्स वाई इट इज नोन एज स्टैचुरी बॉडी। क्लियर हो गया? हाँ जी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है, वेरी वेल डन। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में, ठीक है। क्यों बनाया गया? ऑब्वियस सी बात है, ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको क्या किया गया, बनाया गया, जिससे चीज़ों को ब्रॉडकास्ट किया जा सके। इसमें आपको ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन शामिल है। क्लियर हो गया? सो बस आपको यही याद करना है कि इन्होंने 23 नवंबर को अपनी सिल्वर जुबली सेलिब्रेट की है। 23 नवंबर 1997 में इसका इस्टैब्लिशमेंट हुआ था। प्रसार भारती ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1990 को पास करके इसको बनाया गया था। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। क्लियर हो गया? इतना क्लियर हुआ? चलिए थोड़ा इसमें डिटेल देख लेते हैं। ये जो प्रसार भारती है ना, प्रसार भारती बोर्ड के जो चेयरपर्सन है, इसकी पोजीशन वैकेंट थी जब डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश, इन्होंने क्या किया था, अपना दूसरा कार्यकाल फरवरी 2020 में कंप्लीट कर लिया था, है ना। इन्होंने डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश ने फरवरी 2020 में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया था, और तब इसके जो चेयरपर्सन का पोस्ट है वो क्या था, वो वैकेंट था। और इन्होंने डॉक्टर मृणाल पांडे को क्या किया था, रिप्लेस किया था, है ना। डॉक्टर मृणाल पांडे को इन्होंने रिप्लेस किया था, और उसके बाद फिर ये पोस्ट क्या था, ये वैकेंट था। अभी अगर हम बात करें, थोड़े दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था इसके सीईओ कौन बने हैं, गौरव द्विवेदी बने हैं, है ना। इसके सीईओ कौन बने हैं, इसके सीईओ गौरव द्विवेदी बने हैं, और इन्होंने शशि शेखर वेम्पति को क्या किया है, रिप्लेस किया है, ठीक है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, शशि शेखर वेम्पति, ये आपको याद करना है। गौरव द्विवेदी ने शशि शेखर वेम्पति को क्या किया है, रिप्लेस किया है। जून 2022 तक ये क्या थे, ये इसके सीईओ थे। तो जून तक, मतलब जून 2022 तक इसके सीईओ कौन थे, शशि शेखर वेम्पति थे। और अब इनकी जगह पर कौन आ गया है, इनकी जगह पर गौरव द्विवेदी जी आ गए हैं। तो प्रसार भारती के जो नए सीईओ बने हैं, इनका नाम गौरव द्विवेदी है, ठीक है। इन्होंने शशि शेखर वेम्पति को क्या किया है, रिप्लेस किया है। क्लियर हो गया? कि हम लोगों ने पढ़ा भी था थोड़े दिन पहले, जल्दी बताइए क्लियर हुआ? हाँ, वेरी वेल डन रूपा। जब प्रसार भारती का नाम आता है तो रूपा ये लाइन जरूर लिखती है। इन्होंने, प्रसार भारती ने ऑस्ट्रेलिया, मेडगास्कर, अर्जेंटीना, थाईलैंड के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिससे वहाँ पर भी जो ये ब्रॉडकास्टिंग है इसको एक्सपैंड किया जा सके। वेरी गुड। चलिए अब यहाँ पर आते हैं। आर्मी रेड टीम विन 72nd इंटर सर्विस वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 एंड 2023। अब देखिए क्या क्या पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं। सबसे पहले 72nd इंटर सर्विस वॉलीबॉल चैंपियनशिप, एडिशन कौन सा है, 72nd है, है ना। एडिशन इसका कौन सा है, 72nd है। बात हम किसकी कर रहे हैं, बात हम कर रहे हैं इंटर
सर्विस वॉलीबॉल चैंपियनशिप, है ना। किसकी बात कर रहे हैं हम? इंटर सर्विस वॉलीबॉल चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है कि ये जो चैंपियनशिप है ये किससे रिलेटेड है। ऑब्वियसली बात है ये वॉलीबॉल से रिलेटेड है ना, ये वॉलीबॉल से रिलेटेड है। और इसमें जिस टीम ने जीती है वो टीम कौन सी है? वो आर्मी रेड टीम है, ठीक है। इसमें टोटल 4 टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं, आर्मी रेड, आर्मी ग्रीन, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। सो आर्मी रेड टीम ने क्या किया है, आर्मी ग्रीन टीम को हराकर 72nd इंटर सर्विस वॉलीबॉल चैंपियनशिप टाइटल को जीता है। एडिसन कौन सा है? ये एडिसन है 72nd और इंटर सर्विस वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 का इस एडिसन को किसने जीता है? आर्मी रेड टीम ने जीता है। जल्दी बताइए, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ या नहीं? आर्मी रेड टीम ने 72nd इंटर सर्विस वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 और 23 को जीता है। क्लियर हुआ? जल्दी बताइए। ओके, सो आर्मी रेड टीम, इन्होंने आर्मी ग्रीन टीम को हराया है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? आर्मी रेड टीम, इन्होंने इस चैंपियनशिप को जीता है। इन्होंने हराया किसको है? इन्होंने आर्मी ग्रीन टीम को हराया है, ठीक है। आर्मी रेड टीम ने आर्मी ग्रीन टीम को क्या किया है? हराया है इस चैंपियनशिप में। और ये जो चैंपियनशिप है ये कहाँ पर हुआ था? ये ईगल इंडोर वॉलीबॉल स्टेडियम सिकंदराबाद में ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। ये कहाँ पर हुआ था? ये ईगल इंडोर वॉलीबॉल स्टेडियम सिकंदराबाद में ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। तो आपको याद करना है सिकंदराबाद में जो ईगल इंडोर वॉलीबॉल स्टेडियम है वहां पर ये जो चैंपियनशिप है 72nd इंटर सर्विस वॉलीबॉल चैंपियनशिप, इसमें आर्मी रेड टीम ने किसको हराया था? आर्मी ग्रीन टीम को हराया था। क्लियर हो गया? रेड ने ग्रीन को हरा दिया, है ना। बात किसकी कर रहे हैं? वॉलीबॉल की बात कर रहे हैं। कहाँ पर आयोजित किया गया था? सिकंदराबाद में आयोजित किया गया था। क्लियर हुआ? चलिए, टोटल इसमें 4 टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं। 2 आपकी एक इंडियन आर्मी से होती हैं, 1 आर्मी रेड और आर्मी ग्रीन, और बाकी 1 इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स होती है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। तो इसमें कितने टीम्स होती हैं? टोटल 4 टीम्स होती हैं, ठीक है। टोटल 4 टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और वो 4 टीम्स कौन कौन सी होती हैं? एक आपका आर्मी रेड टीम होता है, दूसरा आपका आर्मी ग्रीन टीम होता है, तीसरा इंडियन नेवी होता है और 4th वन इज इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। ये 4 टीम इसमें क्या करती है? पार्टिसिपेट करती हैं। सो 4 टीम ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। कौन कौन से? इंडियन आर्मी रेड, आर्मी ग्रीन, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, जिसमें से आर्मी रेड ने आर्मी ग्रीन को हरा के इस 72nd क्या बोलते हैं चैंपियनशिप टाइटल को जीता था, ठीक है। ये जो इवेंट है ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है टू आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन फॉर गेटिंग सेलेक्टेड टू द सर्विस वॉलीबॉल टीम। जो सर्विस वॉलीबॉल टीम है उसमें सेलेक्ट होने के लिए ये जो भी आप स्पोर्ट पर्सन है उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो द इवेंट प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन फॉर गेटिंग सेलेक्टेड टू द सर्विसेज वॉलीबॉल टीम। जो सर्विसेज वॉलीबॉल टीम है उसमें एक तरीके से उनको सेलेक्ट करने के लिए, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए ये चैंपियनशिप क्या किया जाता है? ऑर्गेनाइज किया जाता है। क्लियर हो गया? जल्दी बताइए, क्लियर हुआ? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट हेडलाइन पर। और हमारी जो नेक्स्ट हेडलाइन है वो है मदुराइस अरित्तापट्टी नोटिफाइड तमिलनाडुज फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। पहले मुझे बताइए टोटल बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कितने हैं इंडिया में? टोटल बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कितने हैं मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगर हम इसको ऐड करें तो ये जो मदुराई का अरित्तापट्टी है जिसको तमिलनाडु का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है, ये इंडिया के कौन से नंबर का हेरिटेज साइट है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए इंडिया में टोटल कितने बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैं, दूसरा कितने इंटेंजिबल हेरिटेज साइट्स हैं, है ना, जो अमूर्त विश्व विरासत होती है वो, एंड थर्ड वन इज टोटल कितने रामसर साइट्स हैं। तीनों का आंसर जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। तीनों का आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कितने बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है इंडिया में, इंटेंजिबल हेरिटेज जो लिस्ट है उसमें कितने आपके हेरिटेज शामिल हैं और टोटल कितने रामसर साइट है? 18 ये क्या 18 बता रहे हो? बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट 18 है,
रामसर साइट 75, सबसे इजी क्वेश्चन यही है ना, रामसर 17 है। ओके, चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें याद करनी है आपको, इसका आंसर अभी बताएंगे आपको। सबसे पहले आपको याद करना है मदुराई, है ना, तमिलनाडु के मदुराई में जो अरिट्टा पट्टी है ना, इसका नाम क्या है, इसका नाम है अरिट्टा पट्टी। ठीक है, सो तमिलनाडु के अरिट्टा पट्टी ये जो है, ये तमिलनाडु का पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट बन गया है। क्लियर हो गया, मदुराई का अरिट्टा पट्टी ये तमिलनाडु का पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट बन गया है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया जिसमें उन्होंने बताया कि ये जो अरिट्टा पट्टी है ये तमिलनाडु का पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट है। इसके साथ ही ये तमिलनाडु का पहला, है ना, और इंडिया का 35th बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट बन गया है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसके साथ ही ये तमिलनाडु का पहला और हमारी इंडिया का 35th बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट बन गया है। तो इंडिया में टोटल कितने बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट है, 35 है। ठीक है, सो इट इज तमिलनाडुज फर्स्ट एंड इंडियाज 35th बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट। कितने टोटल हेरिटेज साइट, बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट हो गए इंडिया में, 35 हो गए, और तमिलनाडु का ये पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट है। इसका नाम जरूर याद रखिएगा, मदुराई का जो अरिट्टा पट्टी है इसको तमिलनाडु का पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है तमिलनाडु के गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये तमिलनाडु का पहला और इंडिया का 35th बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट बन गया है। ये पहला है कहाँ का, तमिलनाडु का, और 35th है कहाँ का, इंडिया का। रामसर साइट तो आप लोगों ने सही बताया। एक क्वेश्चन मैंने आपसे ये भी पूछा था, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज वो कितने हैं, हमारे यहाँ टोटल कितने ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसके लिए अभी रिसेंटली गरबा को नॉमिनेट किया गया था और बहुत जल्द वो उसमें शामिल भी होने वाला है ना, बताइए जल्दी से। चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो अरिट्टा पट्टी विलेज है ना, ये इकोलॉजिकल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे स्पीसीज पाए जाते हैं, लाइक अगर हम बात करें तो यहाँ पर पैंगोलिन, ये आपको जरूर याद करना है, यहाँ पर पैंगोलिन, स्लेंडर लोरिस और पाइथॉन्स, ये जो वाइल्ड लाइफ हैं ये यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, इंडियन पैंगोलिन, स्लेंडर लोरिस और पाइथॉन्स, ये सभी जो भी क्या बोलते हैं वन्य जीव है, वाइल्ड लाइफ से, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ, दुर्गा पूजा इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। टोटल है कितने ये तो बताइए, 14+1, मैं ऐड करूँ 15 या ऐड करूँ कि गरबा जब ऐड हो जाएगा तब ये 15 हो जाएगा, या गरबा को छोड़ के 14+1 बता रहे हैं, आप लोग बता के आ रहे हैं, क्लियरली आंसर बताइए ना। अच्छा, ये क्लियर हो गया, ये हेडलाइन क्लियर हो गई ना। चलिए अगर हम बात करें सबसे पहले बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट की, इंडिया की, कि इंडिया का पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट कौन सा है, 40 बेटा 40 तो नहीं है, 14 और 15 तो बोल भी सकते हैं, 40 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आते हैं, नल्लूर टैमरिंड ग्रोव, ये कहाँ है, कर्नाटका के बेंगलुरु में। सो कर्नाटका के बेंगलुरु में जो नल्लूर टैमरिंड ग्रोव है, ये भारत का पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट है, और 2007 में इसको क्या किया गया था, एज अ बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या याद करना है, नल्लूर टैमरिंड ग्रोव। ठीक है, नाम क्या है, नल्लूर टैमरिंड ग्रोव, कहाँ पर है ये कर्नाटका के बेंगलुरु में है। ठीक है, ये कर्नाटका के बेंगलुरु में है, और 2007 में इसको क्या किया गया था, इसको इंडिया का पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट अनाउंस किया गया था। सो इंडिया का जो पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट है ये कहाँ पर है, ये कर्नाटका के बेंगलुरु में है, और इसका नाम नल्लूर टैमरिंड ग्रोव है, और 2007 में इसको एज अ बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया था। क्लियर हो गया, एग्जैक्टली 14 है, जब गरबा ऐड हो जाएगा तब 15 होगा। चलिए बताइए इसका आंसर, इसका आंसर नहीं, ये क्लियर हुआ, पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया कौन सा है, वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे 22nd में, ओके ये क्लियर हो गया ना। चलिए अभी रिसेंटली जो 5 बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट ऐड किए गए हैं इसी 2022 में, है ना, अगर हम इसकी बात करें तो सितंबर में एक ऐड किया गया था जिसका नाम है देवारी
या चिरमुरा है ना, इसको देवारी या फिर चिरमुरा बोलते हैं। और ये कहाँ पर है, ये त्रिपुरा में है। रिसेंटली इसको सितंबर मंथ में क्या किया गया था, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के लिस्ट में इसको शामिल किया गया था, ठीक है। इसके अलावा सितंबर में ही त्रिपुरा के बेटिलंग शिव और इसके जो भी सराउंडिंग्स है ना, इसको भी क्या किया गया था, इस लिस्ट में शामिल किया गया था। अगस्त 2022 में असम के हाजोंग टॉर्टोइस लेक को भी इसमें क्या किया गया था, ऐड किया गया था। अगस्त में ही असम के बोरजुली वाइल्ड राइस साइट, इसको भी क्या किया गया था, इस लिस्ट में शामिल किया गया था। और मध्य प्रदेश के अमरकंटक को जुलाई में क्या किया गया था, इस बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। सो ये जो लास्ट 5 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऐड किए गए हैं, ये उनकी लिस्ट है, ठीक है। इसको भी याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? आपसे पूछा जा सकता है कि अमरकंटक जिसको इसमें ऐड किया गया है, ये कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। इस तरीके से कोई से भी पूछा जा सकता है कि ये जो ऐड किया गया है ये कहाँ पर है, ठीक। हाँ जी, अनामलाई टाइगर रिजर्व ने जंबो ट्रेल्स को लॉन्च किया है, वेरी वेल डन मौसमी। चलिए अब यहाँ पर आते हैं, सारंग। आप लोगों को याद है ना, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि सारंग ये इंडिया का फेस्टिवल है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल है, जो कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, साउथ कोरिया में ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो सारंग जो इंडियन फिल्म फेस्टिवल है, जो साउथ कोरिया में क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसको स्टार्ट कर दिया गया 18 नवंबर से 17 नवंबर तक ये चलेगा। सो साउथ कोरिया के बुसान में है ना, साउथ कोरिया के बुसान में इसको क्या किया गया है, इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। किसकी बात कर रहे हैं हम, इंडियन फिल्म फेस्टिवल की बात कर रहे हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सारंग, ठीक है। इसका नाम है सारंग और ये साउथ कोरिया के बुसान में ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, साउथ कोरिया के बुसान में ऑर्गेनाइज किया जाता है। यहाँ पर जो इंडियन फिल्म्स होते हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाती है। जो ओपनिंग सेरेमनी है इसकी है ना, इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी है वो कौन सी फिल्म के द्वारा की गई, सो पद्मावत है ना, जो पद्मावत मूवी है इसके सॉरी पद्मावत मूवी के साथ इसका क्या किया गया, इसके ओपनिंग सेरेमनी की गई है ना। सो ओपनिंग सेरेमनी में कौन सी फिल्म को प्रदर्शित किया गया, उसका नाम है पद्मावत। क्या क्या है आपको याद करना है, सारंग, सारंग क्या है, ये एक इंडियन फिल्म फेस्टिवल है जो कि साउथ कोरिया के बुसान में ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है, इंडियन एम्बेसी के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर जो ओपनिंग सेरेमनी में जो फिल्म प्रदर्शित की गई, कौन सी फिल्म की स्क्रीनिंग हुई, पद्मावत की। क्लियर हो गया? चलिए, सो ये एडिशन कौन सा है, ये 10th एडिशन है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये याद करना है कि ये कौन सा एडिशन है, ये 10th एडिशन है। 10th इंडियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया, साउथ कोरिया के बुसान में इसको ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। ये जो फेस्टिवल है ये स्क्रीन किया जाता है, इसमें जो भी अवार्ड विनिंग क्रिटिकली अक्लेम्ड हिंदी और पॉपुलर रीजनल फिल्म्स होती हैं उनको क्या किया जाता है, यहाँ पर शोकेस किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है बुसान सिनेमा सेंटर में, ठीक है। हाँ, हिंदी मूवी पद्मावत है ना, ये पहली फिल्म है जिसको यहाँ पर क्या किया गया था, स्क्रीन किया गया था। तो ओपनिंग सेरेमनी में मतलब जो जिस फिल्म की स्क्रीनिंग के साथ इसको स्टार्ट किया गया था वो कौन सी है, हिंदी मूवी पद्मावत है। टोटल 6 फिल्म्स हैं जिनको इस 3 दिन के जो भी 3 दिन का टाइम पीरियड है इसमें क्या किया गया, इसमें इसको प्रदर्शित किया गया। एक आपका पद्मावत जिसकी स्क्रीनिंग से इसकी शुरुआत की गई थी, उसके बाद दूसरा आनंदी गोपाल है जो कि एक मराठी फिल्म है, देन असुरन तमिल फिल्म है, नत्याम ये तेलुगु फिल्म है, हाउस ओनर ये तमिल फिल्म है, और शॉर्ट बोट 3 ये भी तमिल फिल्म है। तो टोटल 6 ऐसे फिल्म हैं जिनको इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। इज इट क्लियर? हाँ जी, ये 10th एडिशन है। बस आपको याद करना है फेस्टिवल का नाम क्या है, सारंग। ये इंडियन फिल्म फेस्टिवल है जो कि साउथ कोरिया के बुसान में आयोजित किया जाता है। इस बार इसका ये 10th एडिशन है और हिंदी मूवी पद्मावत के साथ इसकी स्क्रीनिंग हिंदी मूवी पद्मावत की स्क्रीनिंग के साथ इसकी शुरुआत की गई और टोटल 6 फिल्म्स हैं जिनको यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ, बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल कोलकाता, वेरी गुड, इतना क्लियर हो गया। ओके, चलिए अब यहाँ पर आते हैं, डीप क्रिकेट टीम। आप लोगों को याद है ना, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो नेशनल क्रिकेट डीप चैंपियनशिप है ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। सो ये ऑर्गेनाइज हुआ और किसने इसको जीता है, हरियाणा ने जीता है, ठीक है। किसने जीता है, हरियाणा ने। सो हरियाणा डीप क्रिकेट टीम, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 6th T20 नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप फॉर डीप 2022 को क्या किया है, जीता है इन्होंने, ठीक है। कौन सा एडिशन है ये, 6th एडिशन है, ठीक है। कौन सा एडिशन है ये, 6th एडिशन है। बात हम किसकी कर रहे हैं, बात हम T20 नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप फॉर डीप की बात कर रहे हैं, T20 नेशनल
क्रिकेट चैंपियनशिप फॉर डीव की बात कर रहे हैं, और इसको किसने जीता है? इसको हरियाणा डीव क्रिकेट टीम ने जीता है। क्लियर हो गया कौन सा एडिशन है? सिक्स एडिशन है। किसकी बात कर रहे हैं? T20 नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप फॉर डीव की बात कर रहे हैं, और किसने जीता है इसको? हरियाणा डीव क्रिकेट टीम ने इसको जीता है। क्लियर हो गया। टूर्नामेंट कौन सा है? T20 नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप फॉर डीव। कौन सा एडिशन है? सिक्स एडिशन है। किसने जीता है? हरियाणा डीप क्रिकेट टीम ने जीता है। इतने पॉइंट्स क्लियर हुए? जल्दी बताइए, इतने पॉइंट्स क्लियर हुए? चलिए, क्लियर हो गया ना। सो ये जो डीप चैंपियनशिप है, T20 नेशनल क्रिकेट डीप चैंपियनशिप है, इसको किसने जीता है? हरियाणा ने जीता है। हरियाणा ने जीता है तो किसी को हराया होगा। इन्होंने हराया किसको है? हरियाणा ने हराया है महाराष्ट्र को। ठीक है, हरियाणा ने किसको डिफीट किया है? हरियाणा ने महाराष्ट्र को डिफीट किया है, और महाराष्ट्र को डिफीट करके हरियाणा ने इस टाइटल को जीता है। सो हरियाणा एंड महाराष्ट्र टीम, इन्होंने सेमीफाइनल मैच में अपनी जगह बनाई थी। और ये जो टूर्नामेंट है, ये जो चैंपियनशिप है, ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? ये आगरा में ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? ये आगरा में ऑर्गेनाइज किया गया था। आगरा में जो एकलव्य स्टेडियम है, वहाँ पर ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, आगरा के एकलव्य स्टेडियम में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, विल्लो पूनावाला फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेट करके। विल्लो पूनावाला फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेट करके आगरा के एकलव्य स्टेडियम में इस चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज किया गया था, और हरियाणा ने महाराष्ट्र को हराकर इस चैंपियनशिप को जीता है। तो आपको याद क्या क्या करना है? पहला पॉइंट, कौन सा एडिशन है? सिक्स एडिशन है। दूसरा, डीफ के लिए जो ये आपका नेशनल T20 क्रिकेट चैंपियनशिप है, ये टूर्नामेंट है, कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? आगरा में ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, आगरा के एकलव्य स्टेडियम में, एंड विल्लो पूनावाला फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेट करके इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। हरियाणा ने इसको जीता, और हरियाणा ने हराया किसको है? महाराष्ट्र को हराया है। इतने पॉइंट्स आपको याद करने हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था 14 नवंबर से, और अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद करने हैं। सबसे पहला पॉइंट, मैन ऑफ द मैच। आपको याद करना है कि इस चैंपियनशिप में मैन ऑफ द मैच कौन बने हैं। तो अगर हम मैन ऑफ द मैच की बात करें, तो इनका नाम है अमित यादव, है ना। मैन ऑफ द मैच कौन बने हैं? मैन ऑफ द मैच का नाम है अमित यादव। ठीक है, अमित यादव ये क्या बने हैं? ये मैन ऑफ द मैच बने हैं। और अगर हम बात करें मैन ऑफ बेस्ट बैट्समैन की, है ना, मैन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन की अगर हम बात करें, तो ये भी हरियाणा के ही है, और इनका नाम है आकाश सिंह। सो हरियाणा के आकाश सिंह क्या बने हैं? ये मैन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन बने हैं। सो मैन ऑफ द मैच कौन बने हैं? अमित यादव बने हैं। मैन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ये आकाश सिंह बने हैं। और अगर मैन ऑफ द बेस्ट बॉलर की बात करें, है ना, अगर हम बेस्ट बॉलर की बात करें, तो ये अवार्ड किसको दिया गया है? ये अवार्ड दिया गया है कुलदीप सिंह को। ठीक है, ये अवार्ड किसको दिया गया है? ये टाइटल दिया गया है, ये अवार्ड दिया गया है कुलदीप सिंह को। ये सारे पॉइंट्स आपको याद करने। पहला पॉइंट, मैन ऑफ द मैच कौन बना है? अमित यादव बने हैं। मैन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन कौन बना है? ये आकाश सिंह बने हैं। एंड मैन ऑफ द बेस्ट बॉलर का टाइटल किसको दिया है? कुलदीप सिंह जी को दिया गया है। इज इट क्लियर? जल्दी बताइए, क्लियर हो गया ये? ओके, सो ये जो मिस्टर एमपी सिंह है, जो वेतरन कोच थे इस टीम के लिए, ये क्या थे? इन्होंने एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर क्लोजिंग सेरेमनी में प्रेजेंट, ये क्या थे? क्लोजिंग सेरेमनी में एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर प्रेजेंट थे। नाम इनका क्या है? मिस्टर एमपी सिंह। ये भी याद कर लीजिएगा कि क्लोजिंग सेरेमनी में गेस्ट ऑफ ऑनर कौन था? मिस्टर एमपी सिंह जी थे। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया अप्रूव्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ इंडिया। थोड़े दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडिया और यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, इनके बीच में भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था, है ना। इंडिया और यूनाइटेड अरब इमिरेट्स के बीच में भी क्या हुआ था? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया था। और अभी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को क्या किया गया है? साइन किया गया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? व्यापार। ये जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम होता है ना, आयात निर्यात का काम होता है, उसी को हम ट्रेडिंग बोलते हैं। तो जब भी हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं, तो हमें कुछ सीमा शुल्क देना पड़ता है, कुछ फीस देनी पड़ती है ना। तो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसका मेन पर्पज ये है कि यहाँ पर एक तरीके से ट्रेडिंग को क्या किया जाएगा? बूस्टअप किया जाएगा। इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या होगा? और इन्हांस होगा, और वो बूस्टअप होगा और रोबस्ट होगा, है ना।
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो ट्रेडिंग होती है इसकी फीस धीरे धीरे कम करते करते क्या कर दी जाएगी, जीरो कर दी जाएगी। मतलब ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है यहाँ पर जो ट्रेडिंग होगी वो जीरो जीरो फीस पर होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो धीरे धीरे ये जो सीमा शुल्क होता है उसको कम करते करते क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, जीरो कर दिया जाएगा। थोड़े दिन पहले इंडिया और यूनाइटेड अरब इमिरेट्स के बीच में क्या हुआ था, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया था, और अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी क्या किया गया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया गया है, जिससे इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है वो और ज्यादा क्या हो सके, इनहेंस हो सके, है ना। हाँ जी, अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है। सो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या किया गया है, साइन किया गया है, और ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट ने इसको अप्रूव भी क्या किया है, कर दिया है। सो यहाँ पर आपको याद करना है इंडिया प्लस ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड अरब इमिरेट्स के बीच में पहले हुआ था, इन्होंने क्या किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया है। ठीक है, इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया है जिससे जो ट्रेडिंग है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है वो और इजी वे में हो सके। सो ये जो डील है ना, इससे क्या होगा, इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो सकेगा। क्लियर हो गया, चलिए बाकी वही है, ऑपरेशन ऑन अ म्यूचुअली एग्री डेट एंड इट विल प्रोवाइड ड्यूटी फ्री एक्सेस, है ना। ये फ्री एक्सेस प्रोवाइड करेगा टू द ऑस्ट्रेलियन मार्केट फॉर ओवर 6,000 ब्रॉड सेक्टर। इसमें बहुत सारे मतलब 6,000 से भी ज़्यादा इसमें सेक्टर्स हैं जहाँ पर ट्रेडिंग की जाएगी। इसमें आपका टेक्सटाइल, लेदर, फर्नीचर, ज्वेलरी, मशीनरी, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें क्या किया जाएगा, ट्रेडिंग किया जाएगा, है ना। हाँ जी रूपा, टेक्सटाइल, लेदर, फर्नीचर, ज्वेलरी, मशीनरी, इन सब के इन सब सेक्टर में क्या हुआ है, ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। वेरी वेल डन। चलिए अब यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट हेडलाइन पर, और हमारी जो नेक्स्ट हेडलाइन है वो है श्री विनीत कुमार। इनका नाम क्या है, श्री विनीत कुमार, और इनको KVIC का CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए KVIC का फुल फॉर्म क्या है, और इसके ब्रांड एम्बेसडर कोई बने थे, है ना, KVIC के, उनका भी नाम बताइए। जल्दी से मुझे बताइए KVIC का फुल फॉर्म क्या है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, और अभी रिसेंटली श्री विनीत कुमार जी को इसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। ठीक, जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर जल्दी से बताइए। विनीत कुमार, नाम क्या है इनका, विनीत कुमार, विनीत कुमार को CEO अपॉइंट किया गया है, किसका, KVIC का। ठीक है, सो KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, है ना। KVIC का फुल फॉर्म होता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं इनका नाम विनीत कुमार है। ही हैज ऑल्सो सर्व्ड एज द चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन मुंबई रेलवे विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगर हम विनीत कुमार जी की बात करें तो इन्होंने मुंबई रेलवे विकास कॉरपोरेशन में एज अ चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी क्या किया है, काम किया है, एंड लुक्ड आफ्टर वर्ल्ड बैंक फंडेड MUTP प्रोजेक्ट, और इसके अलावा ये इस प्रोजेक्ट के लिए भी काम कर चुके हैं। तो फिलहाल आपको बस इतना याद करना है कि KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के जो नए CEO बने हैं इनका नाम विनीत कुमार है। ठीक है, अगर हम KVIC की बात करें तो फाउंडेशन इसका 1957 में हुआ था, हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई है, और इसके जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है, उनका नाम है मनोज कुमार। ठीक है, चेयरमैन कौन है, मनोज कुमार जी हैं, और CEO कौन बने हैं ये आपको पता ही चल गया, विनीत कुमार जी इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने। क्लियर हुआ, एग्जैक्टली पंकज त्रिपाठी जी इसके ब्रांड अम्बेसडर है। वेरी वेल डन। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं, आते हैं हमारे आज के MCQ सेशन पर, और जल्दी से हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हु हैज वन द यूनाइटेड नेशंस हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड फ्रॉम इंडिया। भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार किसने जीता है, सुनीता नारायण, जादो पायेंग, वंदना शिवा, या फिर पूर्णिमा देवी वर्मन, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। खुशबू खादी होता है, खादी विलेज। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या होगा, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पूर्णिमा देवी वर्मन। क्या है, सॉरी, पूर्णिमा देवी वर्मन इज द करेक्ट आंसर। वेरी वर्जन, क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन कॉन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार। प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, रितेश अग्रवाल, कविता शुक्ला, तिलक मेहता, रवि कुमार सागर, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर, वेरी गुड, रवि कुमार सागर इज द करेक्ट आंसर। सो रवि कुमार सागर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सारंग
इंडियन फिल्म फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन एम्बेसी इन विच कंट्री? सारंग जो भारतीय फिल्म महोत्सव है, इसका आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया था? फ्रांस, साउथ कोरिया, रसिया, सिंगापुर। ये जो सारंग फेस्टिवल है ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है साउथ कोरिया। क्या है करेक्ट आंसर? साउथ कोरिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द थीम ऑफ द 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस? 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस का थीम क्या है? जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, सो ब्रिंगिंग सिटीजन्स इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट क्लोजर इज द थीम ऑफ द 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ KVIC? KVIC के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? अरुण गोयल, सूरज भान, वीजी सोमानी या फिर विनीत कुमार? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विनीत कुमार। क्या है करेक्ट आंसर? विनीत कुमार इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बैंक ऑफ इंडिया विथ इफेक्ट फॉर 3 ईयर? 3 साल के लिए बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ललित त्यागी, विनोद कुमार, अशोक चंद्र या फिर सुब्रत कुमार? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सुब्रत कुमार। क्या है करेक्ट आंसर? सुब्रत कुमार इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन इज, हु हैज बीन ऑनर्ड विद इकोनॉमिक टाइम्स इंस्पायरिंग लीडर अवार्ड 2022 इन दिल्ली? दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सुनील वाजपेयी, संजय अग्रवाल, AP श्रीधर या फिर MS साहू? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है AP श्रीधर। AP श्रीधर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, वर्ल्ड हेरिटेज वीक इज ऑब्जर्व फ्रॉम? ये जो विश्व विरासत सप्ताह है ये कब से कब तक सेलिब्रेट किया जाता है? 19th to 25th November, 21st to 26th November, 22nd to 27th November या फिर 23rd to 27th November? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 19th to 25th November। सो वर्ल्ड हेरिटेज वीक ये 19th to 25th November तक सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, रिसेंटली गूगल पेज ट्रिब्यूट टू विच अमंग द फॉलोइंग हु वॉज एन अमेरिकन जियोलॉजिस्ट एंड ओसनोग्राफिक कार्टोग्राफर हु हेल्प्ड प्रूव थ्योरीज ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट? सो गूगल ने हाल ही में किसी को अपने गूगल डूडल के थ्रू क्या किया था? श्रद्धांजलि पेश किया था, जो कि एक अमेरिकी भूविज्ञानी और समुद्र विज्ञान मानचित्रकार थे। इनका नाम क्या है? इनका नाम है मैरी थार। किसको गूगल ने ट्रिब्यूट पे किया था? मैरी थार्प को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑफिशियल मैस्कट ऑफ द कतर वर्ल्ड कप 2022? सो कतर वर्ल्ड कप 2022 का जो मैस्कट है इसका नाम क्या है? इसका नाम है लाइव, है ना? लाइव इज द मैस्कट ऑफ द कतर वर्ल्ड कप 2022। सो अब आते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पर, और हमारा आज का जो होमवर्क क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड द यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन 2022 एट गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी? ठीक है, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट हम आपसे मिलेंगे 12:30 बजे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट नेशनल न्यूज़ के बारे में। ठीक है, इसका पार्ट टू है, पार्ट वन हमने थोड़े दिन पहले किया था, अब हम इसका आज पार्ट टू करेंगे इम्पॉर्टेंट नेशनल न्यूज़ के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट मिलते हैं आपसे 12:30 बजे, और नेक्स्ट आपकी एडिटोरियल की क्लास है उसमें आप लोग कंटिन्यू करिएगा। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द